Hi friends, welcome back to my channel. So in today's video I am going to share with you a paratha recipe, a simple basic paratha recipe which is very delicious but it is very simple. तो आपके घर में जो जो बेसिक इंग्रेडिएंट है उससे ही बन जाएगा ये पराठा. तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले डो के लिए हमें जो चाहिए, हम यहाँ पे आटे और मैदा दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं. तो 2:1 रेशियो में हम मैदा और आटा लेंगे, यानी कि अगर 2 कप मैदा है तो 1 कप आटा हम लेंगे डो के लिए. इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़े से चीनी, और रिफाइंड ऑयल डाल के एक टेबलस्पून ऑयल डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. अब थोड़े थोड़े करके इसमें पानी ऐड कीजिएगा और मिक्स करते रहिए. फॉर स्टफिंग ऑल वी नीड 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 1 टमाटर बारीक कटा हुआ छोटा साइज का, अदरक 1/2 इंच का अप्रॉक्स ग्रेटेड किया, लहसुन 4 से 5 कलियां ग्रेटेड किया, फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिली, पिंच ऑफ हल्दी, रेड चिली पाउडर, पिंच ऑफ गरम मसाला, नमक और चीनी स्वादानुसार. मेन इंग्रेडिएंट है छेना, वो हमने लिया है 800 ml दूध, उससे जो छेना मिलता है वो. स्टफिंग के लिए सबसे पहले हम एक पैन में तेल लेंगे, 4 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल, प्याज गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है. इसमें हम थोड़ा नमक और चीनी ऐड करेंगे ताकि प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो जाए. प्याज का कलर देखिए थोड़ा पिंकिश टाइप का हो गया, तो इसमें हम अब टमाटर ऐड करेंगे. इसको भी अच्छे से भूनना है जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते. इसमें आप गार्लिक को ऐड कीजिए और इसे अच्छे से फ्राई कीजिए जब तक इसकी स्मेल ना चली जाए. जब गार्लिक का कच्चा स्मेल चला जाए देन वी विल ऐड जिंजर एंड ग्रीन चिली. सारी सब्जी अच्छे से भून जाए देन वी विल ऐड हल्दी, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला. अब छेना को इसमें मिला दीजिएगा. अगर इसमें कुछ पानी रह जाता है तो रहने दीजिए. कोई दिक्कत
चाहे तो इसमें ग्रेटेड पनीर भी यूज कर सकते हैं। अब इसको तब तक फ्राई करना है जब तक इसका सारा पानी सूख जाए और ये एकदम ड्राई हो जाए। नमक और चीनी हम डाल रहे हैं स्वाद के अनुसार, आप चाहे तो चीनी स्किप भी कर सकते हो। हमने इस डो को 15 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ दिए थे। इन द मीनवाइल हम इससे छोटे छोटे पेड़े निकाल रहे हैं पराठे के लिए। Our stuffing is ready. Make sure it is completely cool. अब हम इसे आटे के जो पेड़े हैं उस पे अच्छे से भर देंगे। The stuffing is very yummy. आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं रोटी या स्टीम राइस के साथ। अच्छे से इसे भरिएगा ताकि बेलने के समय बाहर ना आए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।